हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार में कोई भी काम कितनी धीमी गति से होता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये संकल्प। 29/8/2020 को आज ही के दिन, आज है 29/8/2021, आज से ठीक एक साल पहले 29/8/2020 को ये संकल्प पत्र जारी हुआ था, जो बिहार के पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान में कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष है, उनके वेतन में 1 अप्रैल 2021 के देय वेतन से 15% की वेतन वृद्धि के स्वीकृति के संबंध में ये संकल्प पत्र जो है जारी हुआ था। पूरा एक साल बीत गया है आज इसका, लेकिन आज तक मतलब ये 15% वेतन वृद्धि जो है वो लागू नहीं हुई है। महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आज तक वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को नहीं मिला। शिक्षक काफ़ी इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, शिक्षक संघ काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये 15% की वेतन वृद्धि शिक्षकों को नहीं मिल रही है। महंगाई की बात अगर करें तो ऐसा है कि एक साल पहले जब कोविड नहीं आया था, उससे पहले की बात मैं कर रही हूँ, जो किराया 15 से 20 रुपये था, वो किराया आज 60 रुपये हो गया है, बशर्ते कोविड की वजह से ही। लेकिन एक बार जो किराया बढ़ गया वो बढ़ गया। इसी तरह सारे चीज़ में महंगाई जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षकों का वेतन जो ये 15% का वृद्धि मिला कि 15% का वेतन वृद्धि हुआ है, सो आज तक लागू नहीं हुआ है। इसी तरह बिहार में शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो 94,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की हो, या फिर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, सो हो काफ़ी लंबे टाइम से अभी वो हो गया, काउंसलिंग हो गया, लेकिन उसके बाद आगे नियोजन पत्र कब तक मिलेगा उसके लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत है, लेकिन कोई परिणाम उसका नहीं मिल रहा है। अगर बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की, तो पिछले साल ऐसा लग रहा था कि आज नियोजन पत्र मिल जाएगा तो कल नियोजन पत्र मिल जाएगा, ऐसी स्थिति थी। और बीच में कोविड आई और उसी कोविड थोड़े दिन के बाद ख़त्म भी हुआ, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल में आया, लेकिन आज तक उन शिक्षकों को नियोजन पत्र नहीं मिला है। नियोजन पत्र तो दूर, फिर से फॉर्म लिया जा रहा है, आज फिर देखिए 17 तक डेट बढ़ा दिया है और साथ ही रिक्ति भी बढ़ी है, जबकि उस समय के मतलब बहुत ज़्यादा जो बचे हुए शिक्षक उस टाइम के उतने ज़्यादा है भी नहीं, रिक्ति बढ़ रही है, लेकिन जो शिक्षक इतने सालों से राह देख रहे हैं उनको नियोजन पत्र नहीं मिल रहा है। तो ये सब बिहार के शिक्षा विभाग का सारा कार्य इसी तरीके से होता है। और 5 सितंबर को जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो फिर शायद धरना प्रदर्शन वगैरह करने वाले हैं, मैं कम्युनिटी पे शेयर करी थी, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और उसमें शामिल ज़रूर होइएगा अपने हक के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।